सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एडुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET UG 2022 की रिजल्ट के बारे में, यानी कि आपको जो रिजल्ट है CUET UG का वो यहाँ पे कब तक डिक्लेयर हो सकता है NTA की तरफ से। तो इसको लेकर के एक अपडेट है जो कि पब्लिश किया गया है द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में, जिसे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बात करें यहाँ पे NTA के ऑफिशियल्स ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें डेट के बारे में उन्होंने बताया है कि NTA कोशिश कर रहा है कि जो रिजल्ट है आपका CUET का ये 7 सितंबर तक डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसा कहना मेरा नहीं, ऐसा कहना NTA के सीनियर ऑफिशियल का है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब जो कैंडिडेट है वो अपने रिजल्ट CUET की वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा CUET यहां पे दो फेस में होने वाला था, बट टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से काफी सारे एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, जिस वजह से अब ये एग्जामिनेशन 6 फेस में कंडक्ट करवाया जा रहा है NTA की तरफ से, जो कि लास्ट आपका 30 अगस्त तक होने वाला है। 30 अगस्त को आपका लास्ट यानी कि फाइनल CUET का फेस एंड हो जाएगा। आगे NTA के ऑफिशियल ने यह भी कहा जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है, वो आपको बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो आपका 7 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर 7 सितंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तो यहाँ पे आउटर लिमिट दिया गया है 10 सितंबर, यानी कि 7 से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा कहना मेरा नहीं, ऐसा कहना NTA के ऑफिशियल का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए CUET के रिगार्डिंग जो कि आपको पहले से ही पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इस आर्टिकल को डिटेल में चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप CUET 2022 की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, और JNU एडमिशन 2022 की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।